हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं केबल इंडस्ट्री से जुड़ी खबर इस वीडियो में। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज की वीडियो में बात करेंगे केबल से जुड़ी, लेकिन हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं वहाँ फ्रीडिस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ इरफान। जैसे कि आप जानते हैं सभी केबल ऑपरेटर्स पर बड़े चैनल देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। बात करें स्टार, जी, सोनी, डिज्नी, इन सभी बड़े ब्रॉडकास्टर के चैनल नहीं देख पा रहे हो। इसकी बड़ी वजह है ट्राइकेन एनटीओ 2.0 एंड एनटीओ 3.0 के चलते सभी बड़े ब्रॉडकास्टरों ने अपने चैनल के प्राइस बढ़ा दिए हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, चैनल बंद, चैन कहाँ, ट्राई सिटी के 2.25 लाख घरों पर में असर, ना सास बहू, ना क्रिकेट, ना मूवीज़, 12 टीवी सीरियल प्रोडक्शन कंपनियों ने कहा जब तक मामला नहीं सुलझता जब तक नया सीरियल नहीं करेंगे रिलीज़। कस्टमर को महंगे पड़ेंगे नए टैरिफ, 40% तक दाम बढ़ेंगे। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू करने का फैसला किया है। केबल ऑपरेटर्स के पास रोज़ाना हजारों कॉल आ रही है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि वे बेस है, चैनलों ने टैरिफ बढ़ा दिया है और नहीं चाहते कि लोग अतिरिक्त टैरिफ देना पड़े। ट्राई सिटी के करीब 2.25 लाख घरों में केबल कनेक्शन है जहां लोग चैनल नहीं देख पा रहे हैं। और फास्टवे केबल ऑपरेटर का कहना है कि नया टैरिफ लागू होता है तो तीनों बड़े ब्रॉडकास्टर की दरें 20 से 25% बढ़ जाएंगी और इन ब्रॉडकास्टर के 60 से 65 चैनल आते हैं। नया टैरिफ लाने से 330 रुपये वाला पैक कम से कम 440 रुपये का हो जाएगा और 440 वाला पैक 500 रुपये और 550 वाला पैक 630 रुपये तक होने की संभावना है। इसी के चलते ये प्रोटेस्ट जारी है केबल ऑपरेटर्स की ओर से ताकि सब्सक्राइबरों को कम से कम पे करना पड़े केबल ऑपरेटर्स के द्वारा ब्रॉडकास्टरों को। यही वजह है कि ये सभी चैनल टीवी पर नहीं दिखाए जा रहे हैं कि भी किसी भी केबल ऑपरेटर्स की ओर से। और इसको लागू करने की केबल ऑपरेटर की एक और भी वजह है, आए दिन सभी ब्रॉडकास्टर अपने चैनल का दाम बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वजह से केबल के सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब केबल ऑपरेटर्स के सर के ऊपर से पानी निकल चुका है और वो चाहते हैं कि अब किसी भी चैनल का अमाउंट ना बढ़े और कोई भी टैरिफ लागू ना हो। इसी वजह से सभी केबल ऑपरेटर्स अब कोर्ट का रुख भी अपना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या रुख अपनाता है केबल ऑपरेटर्स के लिए। तो आज की वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।